में मिल गया है प्योर वेज, देवादासी वेज, प्योर वेज। यहाँ पे मैं कुछ साउथ इंडियन टेस्ट करने वाला हूँ। बैठने के लिए अच्छी लोकेशन है और यहाँ स्नैक्स, आपको मिठाई यहाँ की लोकल। तो पहले ये पूछता हूँ, यहाँ लोकल मिठाई में क्या अवेलेबल है? दिस इज अ दाल बड़ा ना? ठीक है। और ये वेज है? ओके, तो एक पीस ये भी दे देना मेरे को, एक पीस ये दे देना, बाकी अंदर। तो भैया आप एक बार अपनी लोकेशन यहाँ की बता दो। मुल्ले के जंक्शन। नहीं, अगर जैसे कोई टूरिस्ट यहाँ पे आए तो इजिली कैसे वो यहाँ पे पहुँचता है वो आप बता। मुल्ले टाउन। ओके, ठीक है। और मैं केरला में कुछ पंजाबी खाने को मन कर रहा है, तो मैं ले रहा हूँ पूरी भाजी। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है पूरी भाजी, यहाँ से मैं ले रहा हूँ पूरी भाजी। तो देखते हैं कि साउथ में पूरी भाजी का टेस्ट क्या आता है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी आ गई पूरी, साथ में ये हमारी आ गई भाजी। तो अब मैं आपको यहाँ की पूरी भाजी का टेस्ट करके बताऊँगा, और साथ में एक और डिश मैंने मंगवाई है, उसके देखते हैं कि साथ में एक और डिश मैंने मंगवाई है, वो डिश भी मैं मंगवा के टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ की स्पेशल वो बड़ा की तरह दाल बड़ा। भाजी जो है वो हल्का सा मीठा, साउथ इंडिया में जैसे होता है आलू में जो मीठा है, पूरी भाजी ऑलमोस्ट ओके, बट पंजाबियों का टेस्ट नहीं है। हमें जैसे मसालेदार खाना पसंद है, वैसा नहीं है, स्वीट है। बट अगर थक गए हो साउथ इंडिया का खाना खा खा के, तो आप पूरी भाजी यहाँ की खा सकते हैं। लोकेशन एलेपी टर्मिनल से, एलेपी बोट टर्मिनल से राइट साइड पे मेन रोड पर आप खड़े हैं, बिल्कुल कॉर्नर आगे। वेज प्योर वेज, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है कि प्योर वेज ढाबों में ही खाएं। तो ये प्योर वेज ढाबा है, यहाँ पे नॉन वेज बनता नहीं है, कुछ सर्व नहीं होता। और साथ मैंने मंगवाई एक और आइटम जो मेरे को दिखी है, एक पीस मैंने कहा भैया को भी टेस्ट करने के लिए मेरे को बताओ। तो ये देखो, ये आइटम, ये इन्होंने कहा कि साउथ इंडिया की स्पेशल आइटम है, आई थिंक दाल बड़ा, दाल का बना हुआ है, और साथ में इसे देते हैं ये लहसुन की चटनी। ये इन्होंने मेरे को कहा कि आप यहाँ का टेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं, और अपने व्यूअर्स को मैं बताता हूँ कि कहाँ पे क्या खाए, जैसे आपको बताता रहता हूँ। तो टेस्ट करते हैं इसका। मज़ा आ गया दोस्तों। ये आइटम आप जब भी एलेपी या केरला आए तो ज़रूर खाएं। इसको क्या बोलते हैं इसका? वेजिटेबल कटलरी। ये वेजिटेबल कटलरी है यहाँ की, इसको खाएं, टेस्ट करें, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में यहाँ पे दाल बड़ा देखा था, एक दाल बड़ा देखा था, एक पीस वो भी दे दो। तो दोस्तों, भारत के अलग अलग कोनों में डिशेस का जायका कुछ डिफरेंट ही है। एक ये पीस मैंने इनसे मंगवाया, दाल बड़ा, दाल बड़ा है, वो भी यहाँ का फेमस है। ये आई थिंक मूंग की दाल का बनता है, थोड़ा सा सख्त है, और इसको तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको यहाँ के बारे में पता लगे रहे। तो मैं करता हूँ अपना फूड एंजॉय, और आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय दोस्तों।